हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या किया है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तो बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पर, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतिहास में जो क्रांतियां हुई है, वो क्रांतियां बड़ी पर हुई, बड़े पर हुई। इतिहास में जो क्रांतियां हुई, उनके आरंभ का दिन था और अंत का दिन था। इतिहास में जो क्रांतियां हुई, वो बड़े पैमाने पर हुई। परमात्मा जब धरा पर आता है, तब वो जो क्रांति करता है, वो क्रांति किसी रण युद्ध में नहीं, किसी रण के मैदान में नहीं, परंतु जीवन के छोटे छोटे प्रसंगों में होती है। यज्ञ का अभिनव इतिहास मधुबन की गलियों में लिखा गया है। छोटे 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 बलिदान और वो छोटे छोटे आत्मत्याग की कहानियां, वहां क्रांति घटित हुई। तो पिछले 70 दिनों से हम यज्ञ के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, और अध्ययन करते करते कहां तक पहुंचे हैं? पांडव भवन 36 से 69 के बीच, और पिछले 4 दिनों से आज का 5वां दिन हम कुछ घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं। हर दिन 7 घटनाएं, जिससे हम कुछ सबक, पाठ, लेसन सीखे, जिसको अपनी आंखों के सामने देखे, अनुभव करे। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। इतिहास की एक एक घटना जो इस यज्ञ का आधार स्तंभ है, वो एक एक घटना, वो एक एक आत्मा, और उस एक एक आत्मा के साथ हुई वो घटना हमें नई प्रेरणा देता है। क्योंकि उस एक एक घटना पर शायद हो सकता है किसी एक एक आत्मा का सर्वस्व संपूर्ण जीवन निर्भर है। उस एक घटना ने किसी एक आत्मा को प्रेरित कर दिया अपना संपूर्ण समग्र जीवन इस यज्ञ के प्रति समर्पित करने के लिए। कहां जीवन जा रहा था और उस एक घटना ने उसके जीवन की दिशा और दशा पलट दी, बदल दी, नया जन्म हुआ। ऐसी एक एक घटना है, वो किसी एक व्यक्ति के जीवन में हुई नहीं है, असंख्य व्यक्तियों के जीवन में हुई है, परंतु सभी व्यक्तियों के जीवन में हुई उन घटनाओं का केंद्र बिंदु वो एक आदिदेव रहा, जिस तन में परमात्मा ने प्रवेश किया। उस हद तक उसका अपना भी पुरुषार्थ था कि उसकी आत्मा और परमात्मा धीरे धीरे एक जैसे हो गए। फिर ये बताना मुश्किल था कि ये कौन है और वो कौन है, कितना गहरा और कितना गंभीर पुरुषार्थ आंतरिक होगा। तो ऐसी आज भी हम 7 घटनाएं देखेंगे। स्टोरी नंबर 1, दादी जान की तब पूना में थी और वहां कुछ माताएं थी।
और उन माताओं का और दादी का संकल्प था कि हमें मधुबन पहुंचना था, पहुंचना ही है। और वो दिन मानसून के दिन थे और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश इतनी अधिक हो रही थी कि नीचे आबू रोड का जो बांध, जो पुल था, वो टूट गया था। और यात्रा बहुत लंबी थी, पूना से मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से आबू रोड, और आबू रोड आना था। परंतु नीचे का जो पुल था, जो बांध था, वो टूट गया था। दादी ने पर कहा कि हमें आना है। बाबा ने उत्तर लिखा कि बच्ची ना, क्योंकि पुल टूट गया है और सब जगह पानी ही पानी है, कैसे आओगे। परंतु वो जो माताएं थी और दादी तो थी, उनका कहना था कि हमको आना ही है। और वो आई और आबू रोड पहुंची। रात हो चुकी थी 8 के आसपास, 8 या 9। और जब उतरे तो वहाँ पानी ही पानी था। 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक उस पानी से गुजरते हुए वो लोग बाहर आए, जहाँ पर भूरी दादी वेट कर रही थी कार लेकर। बाबा ने यहाँ से कार भेजी थी। और जब वो ऊपर पहुँचे तो रात के 11 बज गए थे। तो वो सारी माताएं और दादी वो पानी को क्रॉस करते करते पैदल, कितना पानी था पता नहीं पर बहुत होगा, इसलिए तो इतना बड़ा पुल जो था, ब्रिज, वो टूट गया था। और करते करते रात को 11 बजे पहुंचे कहाँ पर, पांडव भवन। और क्या देखा, कौन सा दृश्य था दादी ने कहा है, वो दृश्य जब मैंने देखा, उस दृश्य को देखने के बाद ही मेरे मन में संकल्प आया कि मुझे भी अपना सारा जीवन अथक सेवा में, ईश्वरीय सेवा में, या आत्माओं पर प्रेम बरसाने में लगा देना है। कौन सा दृश्य था वो? बाबा खड़े थे क्या लेकर, गरम पानी की बकेट थी, नैपकिन था, टॉवेल था। और जैसे ये लोग आए रात को 11 बजे, कल भी कहा था अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर किसी की सेवा करना, कंफर्ट जोन में रहते हुए सेवा करना ये तो कोई भी कर सकता है, पर अपनी दिनचर्या को तोड़कर अपने ज्ञान और योग के समय का त्याग कर आउट ऑफ द वे जाकर किसी की सेवा करना, किसी को सुख देना, ये ऋषि का स्वभाव। तो बाबा ने कहा आ जाओ माताओं, बाप खड़े है, किस लिए खड़ा है, मसाज करने के लिए, गर्म पानी से पैर धोने के लिए और साफ करने के लिए। तो सभी माताओं ने और दादी ने कहा बाबा आपका प्यार ही बहुत काफी है, इसकी आवश्यकता नहीं है, लव इज टू मच, इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है, प्रेम अव्याख्य है, प्रेम की कोई परिभाषा नहीं, परंतु वो कर्मों से झलकता है। प्रेम को कैसे डिफाइन करें? प्रेम ये नहीं कि तुम ये करो या वो करो या ऐसा करो या वैसा करो, प्रेम का कर्मों से कोई संबंध नहीं। प्रेम होने का नाम है, करने का नहीं। इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग, नॉट डूइंग। हाँ, परंतु डूइंग सहज परिणाम है उसका। जब हृदय में प्रेम भरा है और वो प्रेम इतना भरा है, आकंठ भरा है, वो झलक रहा है, ओवरफ्लोइंग। तो दादी ने कहा कि मैंने ये दृश्य देखा और उसके बाद ही जैसा बाबा ने किया अब मुझे भी वैसा ही करना है। महान आत्माओं के मन में महान संकल्प जन्म कब लेते हैं? जब वो दूसरी महान आत्माओं को महान कर्म करते हुए देखते। तो सबसे बेस्ट मेथड है टीचिंग की, शब्दों से नहीं, किससे, कर्म से। स्टोरी नंबर 1।
मॉरल ऑफ द स्टोरी? दोनों तरफ से, दादी की तरफ से और बाबा की तरफ से, दोनों तरफ से क्या है मॉरल ऑफ द स्टोरी? बाबा की तरफ से रात के 11 बजे कोई 11 बजे आ जाए कहे मुझे कोर्स करना है, क्या कहेंगे? टाइम, अपने व्यक्तिगत आराम के समय का त्याग कर आत्माओं की सेवा करना, ये भाग्य बनाने की विधि है। क्योंकि सामने जो आया है उसे पता नहीं, वो अज्ञानी है, हम तो ज्ञानी हैं। और दादी की तरफ से क्या सीखेंगे? दृढ़ संकल्प, कल का वरदान था ना, दृढ़ संकल्प और योग का प्रयोग, इससे क्या होगा? वृत्तियां बदलेगी। स्टोरी नंबर टू, एक पार्टी में दो कुमार आए और एक कुमार से बाबा ने कहा कि एक कन्या है जो बांधेली है, उसे पवित्र रहना है, परंतु उसके माँ बाप बिल्कुल नहीं मान रहे, क्या तुम उससे गंधर्व विवाह करोगे? दो कुमार हैं, तो कुमार नंबर वन से पूछा क्या तुम करोगे, उसने कहा नहीं, ना, मना कर दिया। दूसरा कुमार वहीं खड़ा है पर बाबा ने उससे नहीं पूछा, दूसरा कुमार खड़ा है परंतु बाबा ने उससे नहीं पूछा, बाबा चुप, बाबा चले गए। ये जो दूसरा कुमार है वो पहले कुमार से करता है K1 K2, तो ये जो K2 है कुमार टू, वो कुमार वन से कहता है ये तुमने क्या कर दिया, हाँ करना चाहिए था ना, बाबा ने तुमसे कहा है, पूछा है, मैं तुम्हारी जगह होता तो हाँ करता। K1 कहता है कि बाबा में परख शक्ति बहुत है, उसने बाबा ने जरूर परखा होगा इसलिए मुझे पूछा, और बाबा ने जरूर परखा होगा इसलिए तुमको नहीं पूछा। चैप्टर क्लोज। कुछ समय के बाद K2 कहीं गायब हो जाता और पता नहीं फिर क्या हुआ, मायावी संसार में चला जाता। एंड ऑफ स्टोरी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी, आत्माओं को परखना है, ये परख शक्ति, क्योंकि जो आत्माएं हमारे सामने आ रही है वो भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार वाली आ रही है, क्या इच्छा लेके आ रही है पता नहीं, क्या उनके स्वभाव है पता नहीं, कैसा उनका अब तक का विगत जीवन रहा है पता नहीं, जिज्ञासु बनकर आ रही है परंतु अंदर से भावना शायद परीक्षा लेने की है, ऊपर से भोला दिख रहे, भोले भाले दिख रहे पर अंदर से कुटिल है, सारे दिन भर हमें यही तो काम करना है। सबसे ज्यादा किस शक्ति का काम है सारे दिन भर? परख शक्ति, परखना सत्य क्या, असत्य क्या, नित्य क्या, अनित्य क्या, होना क्या होना चाहिए, क्या होना नहीं चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जो हम कर रहे हैं वो क्या है, सत्य है असत्य है या दिखावा है, आडंबर है, ढोंग है, जो हमारा सम्मान है दूसरों के प्रति वो क्यों है, क्या वास्तव में है या बस औपचारिकता है, क्या है? सारे दिन भर व्यक्तियों को परखना, परिस्थितियों को परखना, यही तो काम है। अगर बाबा ने दूसरे कुमार से कहा होता कि क्या तुम गंधर्व विवाह करोगे, तो उसने क्या कहा होता? हाँ, तैयारी तो पहले से ही है, अवसर की तलाश थी बस। क्या वो ये पवित्र प्रेम का संबंध निभा पाता, ये बड़ा प्रश्न है।
कोई अकेला होता है तो भी निभाना मुश्किल है। और कोई किसी और के साथ बंध जाए तो हाँ यहां भी कर सकते हैं, परंतु कोटों में कोई, कोई में कोई और कोई में भी कोई, जो गृहस्थ में रह के ब्रह्मचर्य पालन कर सके उन्हें महावीर कहा जाता है। जो कुमार है वो कुमारी है, वो तो वीर है बस, परंतु सारे आकर्षणों में संसार में रहते हुए आग ना लगे ये तो बहुत ही बड़ा काम है। और आत्माएं हैं जिन्होंने ये किया भी, परंतु वो कोई साधारण आत्माएं नहीं होगी, जन जन की तपस्वी और सन्यासी और योगी आत्माएं होगी, जिनके मन में वो वैराग का भाव सदैव उदय रहता है। नहीं तो इतना सिंपल, इतना आसान ये काम नहीं है। उस दिन भी हमने देखा था संतोष दीदी का उदाहरण, बाबा से क्या पूछा था, बाबा बचपन की सहेली है उसकी शादी है जाऊं क्या, बाबा ने क्या उत्तर दिया था, बाबा ने क्या उत्तर दिया था, जब तुम्हें शादी नहीं करनी है तो दूसरों की शादी में जाके तुम क्या करोगी, अब जिस मंजिल पर पहुंचना ही नहीं है उस रास्ते का पता करके क्या करोगे, दो हाथ तय कर जाओगे दूसरों को देखते हुए, चतुर्भुज चतुर्भुज बनते हुए और खुद चतुर्भुज बन के आ जाएंगे, बाल और बालाओं को, बालिकाओं को देखकर, ललना और ललनाओं को देखकर पता नहीं क्या क्या इच्छाएं जागृत हो जाए, इसलिए अच्छा है कि न ही जाए। ये कुमारों और कुमारियों के लिए बोल रहे हैं। किसी बहन से पूछा था कि द्वापर से आत्मा क्यों गिरी, उसने एक उत्तर दिया था, क्यूरियोसिटी, उत्कंठा, क्या है अनुभव तो करके देखे है क्या, अनुभव करने के लिए अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। संत ज्ञानेश्वर ने 21 साल की उम्र में सब कुछ वो लिख दिया जो गृहस्थ व्यवहार में होता है, सारे दुख बिना उसमें एंटर किए, दूसरों के अनुभव काफी है। तीन प्रकार के लोग होते हैं, एक जो खुद के अनुभव से सीखते हैं, ज्ञानी है, एक तो वो जो सीखते ही नहीं, उनको उनकी बात ही छोड़ देते, दूसरे पहले जो अपने अनुभव से, दूसरे वो है जो दूसरों के अनुभव से सीखते हैं, और तीसरे दोनों के अनुभव से जो सीखते। तो परख शक्ति, परखना, शारीरिक क्षणिक आवेग के वश होकर कोई निर्णय नहीं लेना। अगर जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, बहुत महत्वपूर्ण, कम से कम 3 अमृत वेला, 2 से 5 वाला से गुजरना है, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना। अगर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो मिनिमम 3 अमृत वेल, 2 से 5 पावरफुल शक्तिशाली योग। जीवन में बहुत बड़ी समस्या है और जिसका बहुत बड़ा निर्णय लेना है, मधुबन आने का निर्णय, सेंटर जाने का निर्णय, या जॉब छोड़ने का, करने का, फुल टाइम से पार्ट टाइम, पार्ट टाइम से फुल टाइम, जीवन के जो अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है वो तुरंत आवेग में आके नहीं लेने। ऑफर आई, जैसे उस दिन भी सुनाया था, कल ही वो भाई को क्या कहा उस बुजुर्ग भाई ने, तुम मेरे बेटे जैसे हो, मेरी बहुत बड़ी जमीन है, प्रॉपर्टी है दिल्ली में, मैं तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहता हूँ, आ जाओ। बाबा ने क्या उत्तर दिया, ऐसे तुम्हारे पास बहुत आएंगे, इनके चक्कर में नहीं जाना है, कहीं आ जाएंगे माता है, या कुमार चले जाएंगे माताओं के पास। एक माता थी मुंबई में जिसने अपने पास एक कुमार को रख लिया, उसने कहा मैं कुमार हूँ, माता भी ज्ञान में, और वो कुमार ने कहा मुझे दिक्कत है मुंबई में, सब कुछ है जगह छोड़कर, वो कहता है मुझे रहने के लिए, तो माता रखती थी उसको अपने पास,
कुछ साल तक रखती है, फिर वो कहता है कि मुझे विदेश जाना है बाबा की प्रत्यक्षता के लिए, और उससे कई सारे पैसे ले लेते, 50-60 लाख लेके गायब रफू चक्कर, कभी आए नहीं वापस, दिखाई नहीं। माता बिचारी ढूंढ रही है अब तक उसको, बहुत अमीर माता थी, परखना। कहाँ थे हम? सेकेंड स्टोरी फिनिश। स्टोरी नंबर 3, बठिंडा के कमलेश बहन जी 2008 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। वो अपने अनुभव में लिखती है कि मैं और मेरी सहेली शील, हम पहुंचे दिल्ली। उस पर हमने पूरा एक दिन डिस्कस किया था कि दिल्ली में मेजर शाह साहब जो थे उनकी कोठी पर एक बहुत बड़ा शिविर लगा था पहला, और जहां पर हजारों भाई बहने आए थे, बसेस आती थी सुबह, भागी थी, फिर भी सबकी हिम्मत 5 बजे क्लास के लिए पहुंच जाते थे वगैरह वगैरह। उस दिन उसकी चर्चा की थी, तो वही उसी मेले में ये बहन जी और उसकी सहेली पहुंचे, और इन दोनों को लगा कि बाबा तो जानी जाननहार है, पत्र व्यवहार पहले हुआ था, परंतु उनमें से कौन कौन है ये बाबा को कैसे पता, तो चलो टेस्ट करके देखते कि बाबा कि मैं कमलेश हूँ या ये कमलेश, ये टेस्ट करके देखते। बाबा के सामने जाते हैं और देखते, उसके आधार पर फिर हम अपना निश्चय जो है ना बाबा पर, उसको पक्का करेंगे। तो वो दोनों सहेलियाँ पहुँचती है, पहले कमलेश बहन जाती है, और जैसे ही जाती है बाबा तुरंत उसको कहते हैं, आओ कमलेश बच्ची। वो कहते हैं कि मेरे खुशी का बांध टूट गया, मैं जस्ट बाबा में समा गई। परंतु किसी के पास हमारा आधार ये ना हो कि हम किसी की टेस्ट करें और फिर वो उसमें पास हो जाए और फिर उस पर विश्वास। बाइबल में भी उदाहरण है, जीसस क्राइस्ट को सूली लग गई, चला गया, तीसरे दिन अचानक वो सारे शिष्य उसके जो है वो भी डरे हुए से है, क्योंकि वो सारे लोग अब उन शिष्यों को ढूंढ रहे हैं, उनको भी सूली पर चढ़ाना है। उसको तो मार दिया पर उसके शिष्यों को भी नहीं छोड़ेंगे, वो सारे बेचारे एक बंद कमरे में रहते हैं। वहां पर अचानक दिखाया जीसस क्राइस्ट का अवतरण, सारे शिष्य इतना खुश हो जाते हैं और वो उसका हाथ पकड़ लेते, कोई पैर पकड़ लेता है, वो उनके साथ बैठता है और चला जाता है। एक शिष्य उस समय नहीं रहता है, 11 शिष्यों में से एक तो ऑलरेडी एक ने धोखा दे दिया, उसकी वजह से ही सूली पर चढ़ाए, जुड़ास तो पहले ही चला गया, तो 11 बचे हुए। 11 में से उस समय केवल 10 ही होते, एक नहीं रहता है, थॉमस। थॉमस जब आता है तो सब लोग उसको कहते हैं कि द लॉर्ड वॉज हियर, कि हमारे मालिक आए थे। वो कहते मैं नहीं मानूंगा, मैंने देखा नहीं, मैं कैसे मानूं, मैंने तो ये देखा कि उसको सूली पर चढ़ाया, मैं ये कैसे मानूं कि वो जिंदा होके आ गया, आई विल नॉट बिलीव, बिल्कुल नहीं मानूंगा। जब तक मैं उसके जो घाव है यहाँ के हाथों के उनको हाथ नहीं लगा लेता तब तक मैं मानूंगा नहीं। और फिर अगली बार एक हफ्ते के अंदर जीसस क्राइस्ट फिर से आते हैं उसी कमरे में, और जब थॉमस वहां है और जीसस ऐसा कहते हैं थॉमस को, सी माय वुंड एंड फील माय वुंड, देखो हाथ लगा के स्पर्श कर, और वो रोते हुए नीचे गिरता है, लॉर्ड लॉर्ड कहते हुए। और वहां बाइबल में एक वाक्य है बड़ा पावरफुल, देखकर बिलीव करना बहुत आसान है, पर धन्य है वो जिन्होंने देखा ही नहीं। ब्लेसेड आर दोज हु हैव नॉट सीन एंड येट बिलीव इन मी, जिसने देखा ही नहीं फिर भी मुझ पर विश्वास है। माताओं ने बाबा को देखा था क्या? वो तो यहां आके देखा, परंतु पहले ही निश्चय। निश्चय का आधार ये देखना वो देखना नहीं है, निराधार है निश्चय, बस निश्चय है, यही सत्य है, इसके अतिरिक्त और कोई सत्य ही नहीं। तो टेस्ट करने की भावना से नहीं आना, परंतु बाबा उसमें भी पास, अगर किसी को करना है तो कर ले। परंतु गीता में लिखा है गुरु के पास जाओ तो कैसे जाओ, विनम्रता से, समर्पण भाव से जाओ, उसको टेस्ट करने से भाव से नहीं जाओ।
अगर जानना चाहते हो परम तत्व को, तद्विद्धि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, सेवा के भाव से जाओ। तद्विद्धि परिपाते न परिप्रश्ने न उपदेशन्ति ते ज्ञाने न, वो गुरु फिर उपदेश करेगा उस तत्व का। उपदेशन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनाम, ज्ञानी जिसको परम तत्व कहते हैं उसका उपदेश गुरु कब देगा, जब विनम्रता से जाओगे, सेवा भाव से जाओगे, टेस्ट करने के भाव से नहीं, इसको आता है कि नहीं आता है ये भाव से नहीं, जिज्ञासा के भाव से, क्या है मुझे समझना है जानना है। तो ये स्टोरी नंबर 3। स्टोरी नंबर 4 दादी जान की, ने बाबा को एक पत्र लिखा, शायद सेवा केंद्र पर कोई समस्या होगी, विस्तार से वर्णन लिखा उसका, कोई सिचुएशन थी उसका। और फिर कुछ हफ्तों के बाद दादी खुद आ गई मधुबन और बाबा की कुटिया में बाबा के सामने बैठी और फिर वही जो कुछ लिखा था वो फिर सब सुनाने लगी बाबा को। और बाबा ने कहा, बच्ची ये तो तुमने लिख चुकी है, वापस क्यों सुना रही हो, वही चीज रिपीट करना, अर्थात वेस्ट ऑफ टाइम मनी एनर्जी। स्टोरी क्लोज। समस्या है उसको लिखा और वर्णन किया और वर्णन ही करते रहे और बार 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 जो मिला उसको सुनाते रहना। तुमको पता है हमारे डिपार्टमेंट में ये हुआ, तुमको पता है हमारे यहां ऐसा हो रहा है, तुमको पता है हमारे घर में हमारी बहू ने ये कर दिया। रिपीट करते रहना उसको, क्या करता है, संस्कार को और गहरा करता है। किसी के प्रति नफरत है घृणा है उसको और डीप 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 बना देता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है ये, क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच है, इससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा कोई। अपनी समस्याओं का ढोल पीटते रहना, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ ये लोग ऐसा करते वैसा करते, बाबा तुम कहां हो, अपनी समस्याओं का बार बार वर्णन करने से समस्याएं और गंभीर और गहरी होती जाती, आंसर नहीं मिलता। जो मिला उसको पकड़ के सुनाना कि मेरे साथ ये किया है, करना है, हो रहा है, भाई जी क्या करूं। तो भाई जी ने उत्तर दिया, जैसे उत्तर दिया उत्तर में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, अब दूसरा भाई मिल गया उसको पकड़ो, भाई जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर उसने उत्तर जैसे देना चालू किया, माइंड दूसरे प्रश्न की तैयारी कर रहा है, उसका उत्तर तो सुना ही नहीं। तीसरा कोई मिला उसको पकड़ लिया, चौथा कोई मिला उसको पकड़ लिया। उत्तरों में इंटरेस्ट है, प्रश्नों में वही इंटरेस्ट है, उत्तरों में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उत्तर वही घिसे पिटे सब पता है, सामान ले लो ये करो वो करो, वो तो मुझे पहले ही पता है, इसलिए उत्तर मिलता भी नहीं। केवल तृप्ति की, हमने इससे भी पूछ लिया उससे भी पूछ लिया। तो बाबा ने दादी से कहा, ये बच्ची तुमने पहले ही बता दिया है, रिपीट क्यों कर रही हो। चैप्टर नंबर स्टोरी नंबर 4। स्टोरी नंबर 5, बाबा के पास एक युगल पति आया और वो अपनी युगल की इतनी बुराई करने लगा, मेरी पत्नी ऐसा करती है वैसा करती है वैसा करती है, ये करती है वो करती है वैसा करती है। बाबा सुन रहे सुन रहे सुन रहे, परंतु ये बताते बताते धीरे धीरे उसके चेहरे पर क्रोध और घृणा और नफरत पैदा है, क्योंकि किसी की बुराई करते करते आपका चेहरा चेंज तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे धीरे धीरे। बाबा ने उसके पूछा, आखिर में उसमें कोई अच्छाई भी है क्या, एक हाथ गुण तो वो सोचने लगता है अच्छाई एक दो बताता है। फिर बाबा कहते, और भी कुछ है क्या, एक दो और गलती से तो वो बताने लगता है। और जैसे वो बताना चालू करता है उसका चेहरा वापस, अब तक नफरत का था, वापस प्रसन्न हो जाता है, धीरे 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 प्रसन्न मुद्रा में आ जाता है। चैप्टर क्लोज। बाबा कहते हैं, जब तुम दूसरों की बुराई देखते हो तो आपसी संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है। दो बहनें, दो भाई, दो व्यक्ति जब एक दूसरे के अवगुण देखने लगते हैं तो रिलेशनशिप्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हमारे सभी संकल्प दूसरे तक पहुंचते हैं। इसलिए कोई कैसा भी हो, क्या करना है, निरंतर उसके
गुणों का भीतर चिंतन करना है, मुख से बोले ना बोले परंतु भीतर कुछ तो उसमें विशेष है, इसलिए बाबा ने उसे उसने उसको अपना बनाया। उसमें नौ, उस दिन था ना मुरली में, 36 35 अवगुण है, एक गुण है, फिर भी बाबा उस गुण को देखते और हम क्या करते। अगर किसमें 35 गुण है, एक अवगुण, हमारा सारा रिसर्च, हमारी पीएचडी पूरी किस पे चलती है, उस एक अवगुण पर। पूरा अमृत वेला हमारा मनन चिंतन मंथन डिस्कशन एकांत में बैठकर उस अवगुण की तरफ है। उसमें ये जो 35 गुण है उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई ये 35 दूसरा सुनाता है तो क्रोध आता है, सुन नहीं सकते दूसरे की स्तुति। स्टोरी नंबर 5। एक भाई था मधुबन में जो लकड़ी काट रहा था, और लकड़ी काटते काटते लकड़ी कटी नहीं रही थी, तो बाबा के पास आया। बाबा लकड़ी कट नहीं रही है, बाबा ने कहा जाओ जाके और कोशिश करो। वो गया, फिर आया, बाबा नहीं कट रही है लकड़ी। बाबा ने कहा और कोशिश करो। वो 4 से 5 बार आया, लकड़ी कटी नहीं रही। फिर बाबा ने कहा चलो मैं चलता हूं। फिर बाबा गए, हथौड़ी रखी थी, कुल्हाड़ी बाबा ने ली और जोर से मार दी और लकड़ी टूट गई। स्टोरी क्लोज। फिजिकल स्ट्रेंथ, बॉडी बिल्डिंग, यहां शरीर से भी मजबूत बनना है। बैडमिंटन में एक तरफ बाबा और दूसरी 10 लोग दूसरी तरफ, तभी भी हारते नहीं थे, कितनी फुर्ती होगी। एक तरफ एक व्यक्ति और दूसरी तरफ 10 लोग, तो भी हारते नहीं थे। तो लकड़ी को धक से तोड़ दिया। शरीर से भी कमजोर नहीं बनना है। शरीर यदि बीमार है तो अध्यात्म फेल है। शरीर भी शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, स्फूर्ति वाला हो, ऊर्जा से भरा हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो। ब्रूसली देखा है क्या? ब्रूसली ऐसा इतना मारता है, बस इतना ही, सामने का घायल नीचे, बड़े बड़ों को हरा दिया था, इतना सा है, छोटा सा, उसका शरीर भी पर पूरा वज्र का बना हुआ है जैसे, इतना पावरफुल। बड़े बड़े आए उसके सामने और सबको धराशाही, पर कितना स्वयं पर काम किया है शक्तिशाली बनाने की। महाभारत में 3 प्रकार के बल है, बाहुबलम बुद्धिबलम आत्मबलम, तीनों की कमाई करनी है। बाहुबल भी चाहिए, बुद्धिबल भी चाहिए और आत्मबलम। बाहुबलम शरीर का बल, बुद्धिबल तेनाली रामा, ये बीरबल इन सब के पास क्या था? बुद्धि का बल था। और तीसरा सबसे बड़ा जो बल है वो है आत्मबलम। तीनों पर तीनों ही चाहिए। फिर परिस्थितियों को तो सब ये कर सकते, परंतु ये चीज यहां से उठा के वहां रखो, अरे बाप रे मेरे से नहीं होता, ये सांस फूलती है, थोड़ा बहुत चले तो। लंग्स को पावरफुल बनाना, लोगों को कोविड हुए हुए 2 साल हुए अभी भी कहते हैं कि चलते तो थोड़ा सांस तो फूलता ही, काम नहीं किया है फेफड़ों पर। डिटॉक्स द लंग्स, वर्क ऑन लंग्स। कचरा भरा है फेफड़ों में, स्वच्छ करो उसको। प्राणायाम, शुद्ध हवा, एक्सरसाइज शक्तिशाली बनाते हैं। नेक्स्ट स्टोरी लास्ट। अमृतसर में एक माता आई, नहीं अमृतसर में थे दादी जानकी, वहाँ एक माता थी, उसके इतने दुखड़े थे, इतने दुखड़े थे, बात मत पूछो। और बाबा वहाँ आए और बाबा को उसने पकड़ लिया और चालू हो गई अपनी सारी कहानी सुनाने। बाबा चुपचाप सुन रहे थे, दादी भी थी, और दादी को लगा ये माता इतनी दुखी है, इतनी दुखी है। दादी ने कहा, वो माता का पूरा होने के बाद दादी ने कहा, मैं कुछ कर सकती हूँ क्या, मैं कुछ कर सकती हूँ क्या इसमें? बाबा ने कहा, कई बार कुछ न करना ही अच्छा है।
डिटैच्ड ऑब्जर्वर रहना, साक्षी रहना, नहीं तो दूसरों के दुख सुनते सुनते हम खुद दुखी हो जाते और उसमें बह जाते। केवल साक्षी होके सकाश देते हुए रहना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि हम हर आत्मा के लिए शारीरिक रूप से, कर्म के रूप से सब कुछ नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, क्या करना होता है, हमें डिटैच्ड साक्षी ही रहना अच्छा है। हर एक के प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाना ये अच्छी बात नहीं है। हो गए शायद ना, साथ हो गए। पहला रिवाइज करते हैं, पहला हाँ, बारिश हो, कुछ भी हो, आंधी तूफान कुछ भी हो, जाना है तो जाना है। एक बार एक ज्ञानामृत में एक आर्टिकल आया था, मुरली ना सुनने के 108 कारण, मुरली ना सुनने के 108 कारण, बारिश हो गई, मेहमान आ गए, बच्चे का टिफिन बनाना था, वगैरह वगैरह वगैरह, तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार जैसा लग रहा था, था नहीं लग रहा था, ऐसे 108 कारण आए थे। थोड़ा ढूंढना इसको, कौन सी मुरली ज्ञानामृत में आया था कभी। उसके बाद तो पहली स्टोरी ये, और बाबा का अपना त्याग, अपने समय कंफर्ट से बाहर निकलकर क्या करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को सुख देना। अगला हाँ, गंधर्व विवाह क्या करना चाहिए, करना है नहीं करना है। मैरिज इज अ टेरिबल बॉन्डेज, भयंकर बंधन है एक, जो है उसमें उनको उसी में आगे बढ़ना है और निर्बंधन बनना है, पर जो नहीं गए वो तो भूल कर भी उसमें उतरना नहीं है, क्योंकि उसमें हाथ डाला कि गए काम से। अगला तीसरा टेस्ट, ये तीसरा है तो बाबा की टेस्ट नहीं लेना है, अगर लेना है तो ले सकते हैं, बट डू नॉट टेम्प्ट द लॉर्ड, बाइबल में है। बहुत ऊंचाई पर उसको ले जा, जीसस क्राइस्ट अपने जीवन कार्य से पहले 40 दिन उपवास में रहता है, 40 दिन भटकते रहता है, 40 दिन टेम्पटेशंस के होते, वो कहता है, शैतान उसको परेशान करता है, वो कहता है अगर तेरा परमात्मा है तो ये खाइए, कूद नीचे, देखता हूं मैं तेरा परमात्मा तुझे बचाता है या नहीं। मतलब ये टेम्पटेशन माया जो है उसके अंदर की आवाजें आती रहती है। तो वहां एक स्टेटमेंट है, डू नॉट टेम्प्ट द लॉर्ड, डू नॉट टेम्प्ट द लॉर्ड, उसको परीक्षा, उसकी परीक्षा मत लो। अगला समस्याओं का बार बार वर्णन नहीं करते रहना। अगला नेगेटिव दूसरों के सुनाते रहो तो नफरत के भाव क्रिएट हो जाते हैं चेहरे पर, तन संबंधों में तनाव। नेक्स्ट बाहुबल, बाहुबल भी कुमार सारे, बाहुबल भी होना चाहिए, शक्तिशाली, ठीक है, 150 पुशअप 24 घंटे में, एक साथ नहीं पर होने चाहिए, ठीक है ना। एक्सरसाइज से एक अजीब सी एनर्जी तैयार होती है, क्रिएट होती है शरीर में, रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, ये सब अद्भुत सी ऊर्जा प्रकट होती है शरीर में, क्रिएटिव पावर है ये सारा। नेक्स्ट साक्षी होकर, जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति की हर समस्या हमको पकड़ पकड़ के सॉल्व करनी है, वो जैसा इवेंट हुआ, फिर दादी देखती है बाबा क्लासरूम में चुपचाप निकल गए, वो माता बैठी थी और बाबा क्लासरूम में चले गए मुरली सुनाने, डिटैच्ड, जैसे कोई लेना देना ही नहीं, अभी इतनी सारी आधा घंटा उसने जो सुनाया कोई प्रभाव नहीं उसका, क्लास में जैसे जा रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ये योगी की अवस्था है। ये भी नहीं कि निग्लेक्ट किया उसको, ये भी नहीं कि मत सुनाओ, ये भी नहीं उस पर क्रोध किया, सब सुना और चुपचाप निकल कर जा रहे, अद्भुत। नेक्स्ट हो गया क्या, क्लोज। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक राह पर, भूल कर भी कोई भूल हमसे होना। ओम शांति।
कितनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, कितनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कम इतनी शक्ति हमें दे।